जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 कर्मचारियों का जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने घर को खूबसूरती से सजाइए, आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फोम्स, साथ ही इंडिया सर्कस के होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला LIC कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर। सर, स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा पिछले 4 साल से सूचना केंद्र में अनेक निर्माण कराए जा रहे, उसमें कई काम ऐसे जो अनाधिकृत रूप से, उसी कड़ी में सूचना केंद्र के अंदर PRO आवास था उसको ध्वस्त कर दिया, उसी अधिकांश जमीन को अग्रसर सर्किट के लिए और मुख्य मार्ग पर लावारी छोड़ दिया। वो जमीन 8 लाख रुपए की लगती है, लेकिन प्रशासन की नादानी से आज वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। लोगों ने चाय का ठेला लगा लिए, किसी ने गाड़ियाँ पार्क करी है। सरकारी जमीन पर इस तरह कब्जा करना गैर कानूनी है। हमने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि सरकारी जमीन को तत्काल मुक्त कराएं और हमें राहत प्रदान करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिला प्रशासन के अधिकारी दिन भर उस रोड से निकलते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। जिला प्रशासन पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुका है, जिला प्रशासन अतिक्रमण में बढ़ावा दे रहा है, इसलिए हमने चेतावनी दी जिला प्रशासन को, अगर शीघ्र जमीन को अतिक्रमण किया गया तो आंदोलन करेंगे। करण सिंह, अध्यक्ष संयोजक संघर्ष समिति अजमेर। हमारे को ये आपत्ति आ रही है कि वहाँ पे जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है सूचना केंद्र की, उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने मन मर्जी से पार्किंग बनवा दिया, वहाँ पत्रकारों के लिए हम मीटिंग हॉल बनवा रहे थे, मगर उसके बावजूद भी मगर वो नहीं मान रहे। कल भी हमने जो सूचना अधिकारी जो डायरेक्टर साहब पधारे थे उनसे हमने निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको देखता हूँ। आज हमने जिलाधीश महोदय से भी कहा, तो जिलाधीश महोदय ने कहा कि मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। अब वैसे भी प्रशासन बहुत ढीला है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और अगर नहीं होती है तो हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आज किससे मिले? आज जिलाधीश महोदय से मिले हम। नाम बताइए। मदन सिंह पवार, वरिष्ठ अध्यक्ष, जिला समन्वय समिति अजमेर।